नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय चौहान और आप मेरे साथ देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। गुजरात विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस पार्टी वहां खुद को मजबूत करने की कोशिशें तो कर रही थी, लेकिन जिस तरह से सोचा जा रहा था कांग्रेस की राह शायद उतनी आसान नहीं है। जी हां, कांग्रेस के नेता जिग्नेश मेवानी जो एक दलित नेता भी है, उनको असम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करने का कारण अभी स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन उससे पहले उन्हें गुवाहाटी ले जाया जाएगा। गुवाहाटी ले जाने के बाद वहां पर क्या निकल करके सामने आता है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, वहां ले जाया जाएगा, लेकिन अभी तक कारण नहीं बता पाया है। ऐसा देखा जा रहा है कि असम में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के ऐसे आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के नेता कि उन्हें डराने की कोशिश कर रही है। उनकी पार्टी के नेताओं को, उनकी पार्टी के नेताओं पर झूठे केस लगाए जा रहे हैं, उनकी पार्टी के नेताओं पर जबरदस्ती केस थोपे जा रहे हैं, ये कांग्रेस का कहना है। फिलहाल इस मामले में अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, ना सरकार की तरफ से, ना कांग्रेस पार्टी की तरफ से, ना जिग्नेश मेवानी की तरफ से। लेकिन अधिकारियों के ट्विटर हैंडल को खंगाला जाए तो वहां पर पता चलता है कि जिग्नेश मेवानी को गिरफ्तार तो किया जा चुका है। अब गुजरात विधानसभा चुनावों से पहले जिग्नेश मेवानी का इस तरह से गिरफ्तार हो जाना, असम में जहां पर बीजेपी की सरकार है उस पुलिस का वहां पहुंचना और कांग्रेस नेता को उठाना, कहीं ना कहीं इशारा करता है कि देश की राजनीति में हलचल तेज हो चुकी है। और जिस तरह से इस वक्त ये समीकरण बन रहे हैं, जिस तरीके से इस वक्त ये सियासी खेल रचा जा रहा है, कहीं ना कहीं गुजरात चुनाव पर इसका खासा असर देखने को मिल सकता है और कांग्रेस इसका क्या तोड़ निकाल पाती है देखना बेहद दिलचस्प हो जाएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे एसपीएन 9 न्यूज। नमस्कार।